से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे, आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है, और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापिस आइए और देश से माफी मांगिए।